करेक्ट आईपीसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन ब्लू, ठीक है, ये कंपाउंड दिया है, इसके अंदर अपने को करेक्ट आईपीसी नॉमनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले तो अपने को इसमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से, एक तो कीटोनिक ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। और प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो लास्ट में आता है, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होगी। इसलिए नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिधर से कार्बोक्सिलिक समूह को मिनिमम नंबर मिले। तो ठीक है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। और जो अपनी कार्बन चेन होगी वो के एक्सटेंडेड होनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आने चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 5 कार्बन्स हो गए। अब इसके अंदर जो 4 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। जब कीटोनिक ग्रुप किसी भी कार्बन्स के बीच में आ जाता है तो उसको ऑक्सो के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उसका प्रीफिक्स क्या लिखते हैं अपन, ऑक्सो। तो देखिए इसका जो नॉमनक्लेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 4-ऑक्सो, ठीक है। कितने कार्बन है, 5 है, तो क्या लिखोगे, पेंटेन। एल्केन है इसलिए एन लिखोगे, पेंटेन। और कार्बोक्सिलिक समूह का सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। तो क्या इसको जब आप मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4-ऑक्सो पेंटे नोइक एसिड, या क्या लिख सकते हो, 4-ऑक्सो पेंटेन 1-ओइक एसिड, क्योंकि एक नंबर पे है। तो देखिए इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है 4-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ठीक है, ये कोई रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ये जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स में से आया हुआ है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स के मोल, और वो भी कौन से प्रोडक्ट, जो गैसियस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, माइनस क्या आएगा इसमें, रिएक्टेंट के मोल, और वो भी कौन से रहेंगे, गैसियस मोल रहेंगे। तो देखिए इसके अंदर गैसियस कौन से हैं, सिर्फ ये है, और बाकी के क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। तो 3CO है, इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल तो 3 है, माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल क्या हो गए, 0। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर अपन रख देंगे वैल्यू, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस 3RT। पूछा क्या है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच पूछा है, तो इस 3RT को क्या ले आएंगे, इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 3RT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, डेल्टा एच इधर लाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा एच। इसकी यही वैल्यू पूछी थी अपने को, ये कितनी आई है अपने पास, माइनस 3RT। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया है, इसके अंदर अपने को बताना है कि ई होगा, जेड होगा, कॉन्फिगरेशन सिस या ट्रांस होगा। तो सबसे पहले तो जब अपन टेस्ट सिस या ट्रांस कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो ये कार्बन है इसके ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं और इसके ऊपर जो ग्रुप्स होंगे दूसरे कार्बन पर, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स ए इस पर भी होना चाहिए तो ए इस पर भी होना चाहिए, बी इस पर भी होना चाहिए तो बी इस पर भी होना चाहिए। इसी ऐसे ही कंपाउंड के अंदर अपन सिस और ट्रांस कॉन्फिगरेशन चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अपने को जैसे इस तरीके का कोई कंपाउंड दिया तो इसके अंदर ई और जेड कॉन्फिगरेशन अपने को चेक करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो इस कार्बन पर दो ग्रुप है तो इसमें से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रोमीन है उसका एटोमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। इसके अंदर देखिए इसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन कार्बन के साथ में इसमें सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच्ड है, इसलिए ये क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो डबल डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके नीचे की तरफ क्या है, इस साइड में क्या है, दोनों ग्रुप की जो प्रायोरिटी वो सेम है, इसलिए ये इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, जेड होगा। यदि ये अपोजिट साइड में होता तो क्या आता, अपना आंसर ई आता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RS नॉमनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर आया है। तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका RS नॉमनक्लेचर करना है अपने को, मींस ये जो बीच वाला कार्बन है, कायरल जो कार्बन है, इसका RS कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। दूसरा इसका अपने को IUPAC नॉमनक्लेचर करना आना चाहिए, ठीक है। IUPAC नॉमनक्लेचर करने के लिए अपने को प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी टेबल के अंदर क्या होता है, जो क्लोरीन ब्रोमीन ये सब
ग्रुप्स होते हैं वो टेबल के अंदर नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए इसको प्रेफरेंस नहीं देते। जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो ऊपर की तरफ सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, इसलिए वो क्या करेंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे और इसी से अपनी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसको मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। तो देखिए, इस कार्बन को 1 दिया, फिर ये 2 हो गया, ठीक है। दो ही कार्बन है, तो दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड तो हो ही जाएगा, क्योंकि ओइक एसिड इसमें क्या लगाते हैं अपन, सफिक्स लगाते हैं, तो ओइक एसिड मीन्स एथेनोइक एसिड। टू पे क्या है, क्लोरो है, और टू पे क्या है, ब्रोमो है, तो बी पहले आता है इसलिए टू ब्रोमो टू क्लोरो लिखेंगे, एथेनोइक एसिड हो गया। अब अपने को क्या डिसाइड करना है कि इसके अंदर क्या रहेगा, आर या एस कॉन्फिगरेशन कौन में से कौन सा रहेगा। अब देखिए, इसमें वन ब्रोमो तो ये तो दोनों क्या होंगे, ऑप्शन कट गए, क्योंकि वन ब्रोमो तो हो ही नहीं सकता, टू पे आ रहा है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन को अपने को देखना है, तो इसका क्या करेंगे, आर एस कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करोगे आप, यहाँ पे क्या है, सी ओ एच, ये बी आर, ये सी एल और ये एच, तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, तो इसको वन नंबर देंगे, फिर इसको टू नंबर देंगे, इसको थ्री नंबर देंगे, और ये किसी कितने नंबर पे आएगा, फोर नंबर पे आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको वन से टू, टू से थ्री की तरफ रोटेट करना है, तो वन से टू, टू से थ्री, और फोर नंबर क्या रहता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है, तो क्या करोगे आप, इधर से इधर की तरफ क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे, तो अपना कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब जब इसमें मैंने बताया था कि जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है उसके अंदर ऊपर या नीचे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आता है, तो अपना आंसर क्या रहता है, एज इट इज, मीन्स आंसर को अपने को रिवर्स नहीं करना है। यदि लेफ्ट और राइट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आता तब अपन क्या कर देते, आंसर को रिवर्स कर देते, मीन्स आर आता तो एस, एस आता तो आर, लेकिन यहाँ पे रिवर्स नहीं करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, आर टू ब्रोमो टू क्लोरो एथेनोइक एसिड, ठीक है, एस तो आ ही नहीं रहा तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो आंसर क्या हो गया अपना, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डीआरडीओ के एग्जाम्स में आया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको जो दो कायरल सेंटर हैं इनके ऊपर आपको क्या बताना है, इनका आर एस कॉन्फिगरेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से किधर से भी अपन नंबरिंग कर सकते हैं, मान लीजिए अपन ने इधर से नंबरिंग करी, वन टू थ्री फोर, ठीक है। एक बार अपन क्या करेंगे, इनका आर एस कॉन्फिगरेशन चेक कर लेंगे, और उसके बाद में आर को प्रेफरेंस देंगे, उधर से अपन क्या कर देंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे। तो देखिए, इसमें एक नंबर ये कार्बन रहेगा, दो नंबर ये वाला, और तीन नंबर और चार नंबर, तो वन से टू, टू से थ्री की इस तरीके से घुमाओगे तो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वाला क्या है वो लेफ्ट में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। इसके अंदर देखिए, नीचे वाले के अंदर इसका वन लिखोगे, ऊपर वाले का टू नंबर आएगा प्रायोरिटी की, और ये तीन और ये फोर्थ नंबर हो गया। तो वन से टू, टू से थ्री की तरफ जब आप इसको रोटेट करोगे तो इसमें क्या आ रहा, आर आ रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर अपने पास में क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। अब जब दोनों का ही ऐसा आ रहा है तो अपन किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करते कर सकते हैं, तो एक को टू मानना है, एक को थ्री मानना है, ठीक है, तो टू एस भी आ और थ्री भी क्या आ रहा है अपना, एस आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एस एंड थ्री एस, फोर्थ इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो केमिकल काइनेटिक्स से है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाई माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन कैलकुलेट करते हैं तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उनकी पावर को क्या कर लेते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं, तो ए की पावर तो क्या है, वन, और बी की पावर क्या है, टू, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थ्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, थ्री इज आंसर, ओके। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके अंदर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, तो आप इसके अंदर जो नीचे वाला जो कायरल सेंटर है उसके अंदर क्या कर लोगे आप, इवन चेंजेस करके के जो कार्बोक्सिलिक समूह है कहाँ ले आओगे, हाइड्रोजन की जगह। तो देखिए, जब आप इसके अंदर क्या करोगे, इवन चेंजेस करोगे, तो देखिए सबसे पहले सी ओ एच समूह को यहाँ ले आएंगे तो सी ओ एच समूह यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, फिर एच को चेंज कर लेंगे बी आर के साथ में, तो बी आर यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, बी आर यहाँ हो गया, और ये सी ओ एच समूह यहाँ हो गया। तो अपन ने क्या कर लिया, इवन चेंजेस करके कर लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे आप, इसके अंदर नंबरिंग दोगे, तो नंबरिंग आप किधर से भी दे दो, क्योंकि दोनों के अंदर टू और थ्री पोजिशन पर भी जो ग्रुप लगे हुए हैं वो भी सेम है,
और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों तरफ हैं, तो क्या करोगे, इधर से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, मीन्स 1,4-डायोइक एसिड तो अपने पास में आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन तीनों के अंदर 1,4-डायोइक एसिड है। उसके बाद में देखिए 2,3-डाइब्रोमो, 2,3-डाइब्रोमो आएगा, ब्यूटेन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो नॉमनक्लेचर है वो तीनों के अंदर क्या सेम है, तो अपन इजी वे में इस ऑप्शन को काट नहीं सकते, ठीक है। अब क्या करोगे, आप 2 और 3 पोजीशन पे क्या करोगे, आरएस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले अपन 2 नंबर पे डिसाइड करते हैं, तो बीआर को क्या दोगे, 1 नंबर, इसको क्या दे दिया, 1 नंबर। उसके बाद में किसको दोगे, इसका 2 नंबर दो दोगे, और इसको 3 नंबर, और ये 4 नंबर, मीन्स ये अपना 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 2 नंबर है, ठीक है। अब इसको प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप इसको रोटेट करोगे तो 1 से 2, 2 से 3 और 4 की तरफ रोटेट करोगे, तो इसमें क्या आ रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। लेकिन यदि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट और राइट में होता है तो आंसर क्या हो जाता है, रिवर्स, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर, मीन्स जो 2 पोजिशन है कार्बन वाली उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने पास में क्या आ गया, आर आ गया। अब 3 पे काउंट करते हैं, तो इसको 1 नंबर दे देंगे, फिर इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, मीन्स आप यहाँ पे जब इसको लिखोगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 से 2, 2 से 3 और 4 की तरफ आप रोटेट करोगे तो इसका क्या आ रहा है अपने पास में, आर। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जब राइट या लेफ्ट में होता है तो अपन आंसर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो आर का आंसर क्या हो जाएगा, एस, मीन्स 3 पे क्या अपना एस आ रहा है, तो 2 तो आर है और 3 क्या है, एस है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री से आया हुआ है। द आर एस नोटेशन टू द कायरल कार्बन C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर C2 और C3 जो कार्बन है उसके ऊपर क्या करना है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्या दे दोगे, इसको नंबरिंग दोगे, और नंबरिंग दोगे तो COH जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसको क्या नंबर क्या मिलेगा, नंबर 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे दे देंगे, ठीक है। अब एक तो 2 नंबर पे अपने को क्या निकालना है, आर एस नोटेशन, और एक 3 नंबर कार्बन पे क्या निकालना है, आर एस नोटेशन। तो देखिए 2 पे जब निकालते हैं तो इसको क्या दोगे आप, 1 नंबर, ठीक है, फिर इसको क्या दोगे, 2 नंबर, इस कार्बन को क्या दोगे, 3 नंबर, और ये हाइड्रोजन कितने नंबर पे आएगा, 4। और इसको अपन अलग से जब लिखते हैं तो ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 था, और ये 4 था। तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जब आप इसको रोटेट करोगे तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट एंड राइट के अंदर होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन या आंसर होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा अपना, एस, मीन्स 2 पे तो अपना क्या आएगा, एस आएगा। आप देखिए 2 के अंदर एस एक के अंदर है और इसके अंदर है, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन के अंदर क्या है, 2 के अंदर एस। अब 3 नंबर कार्बन पे देखते हैं, 1 इसको दे दिया, 2 इस ग्रुप को दे दोगे पूरे को, 3 इसको आ जाएगा, और 4 नंबर इसको मिलेगा प्रायोरिटी के अंदर। तो 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4। 1 से 2, 2 से 3 और 4 की जब आप रोटेट करते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में क्या आता है, एस। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट एंड राइट में होता है तो क्या करते हैं, आंसर को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स इसका अपने पास में क्या आ रहा है, आर। मीन्स 2 पे तो अपने पास एस आया और 3 पे अपने क्या आया है, आर आया, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 2s 3r, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यदि अपने को काटना हो तो देखिए 2s 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 एंड 2r लिखा हुआ था, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, 2s 3r, 2 पे s है तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, 3s लिख रखा है, 3r लिख रखा है, तो ये भी कट गया, तो आंसर तो सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है, जो b आंसर है, 2s एंड 3r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री से है। द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन, आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं तो इनमें से किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस होगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए के अंदर नंबरिंग देते हैं, 1 इसको दिया, 2, 3 और 4, 1 से 2, 2 से 3 और 4 की तरफ जब आप रोटेट करते हो तो एस कॉन्फ़िगरेशन आता है, और एस कॉन्फ़िगरेशन को अपन रिवर्स करेंगे क्योंकि जो लोवेस्ट जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर।
मीन्स पहला तो अपना ऑप्शन कट गया क्योंकि अपने पास में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और अपने को ढूंढना कौन सा है, एस कॉन्फिगरेशन वाला। नेक्स्ट देखिए, वन इसको दिया, टू नंबर इसको दिया, थ्री इसको दिया, फोर इसको दिया, तो वन से टू, टू से थ्री और फोर की तरफ जब आप आते हो तो क्या आ रहा है, अपना आर कॉन्फिग्रेशन आ रहा है। और जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वो ऊपर और नीचे रहता है, तो अपना आंसर को क्या रखते हैं, एज इट इज रहते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो ये वाला आंसर भी अपने को एस कॉन्फिग्रेशन नहीं मिल रहा है इससे भी। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें देखो नंबरिंग देते हैं वन टू थ्री और फोर, तो वन से टू, टू से थ्री की जब आप रोटेट करते हो तो क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें भी फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर नीचे आता है, तो आंसर एज इट इज़ रहता है, मीन्स इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, आर रहेगा, रिवर्स नहीं कर। ऑप्शन देखिए, इसमें नंबरिंग करते हैं वन इसको दिया, टू थ्री और फोर, तो वन से टू, टू से थ्री और फोर की जब आप रोटेट करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, अपने पास में आर आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट एंड राइट में होता है, तो अपना आंसर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास में एस। तो अपने को एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो अपना आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ओके, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री से है, द ई आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, तो ये चार कंपाउंड आपको दिए हुए, इनमें से ई आइसोमर कौन सा है ये अपने को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, डबल बॉन्ड के ऊपर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन के ऊपर, उनका क्या करोगे आप, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। तो इस कार्बन पे देखिए, इन दोनों ग्रुप्स में से इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इन दोनों ग्रुप में इसको प्रायोरिटी मिलेगी, और दोनों जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, सेम साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, जेड कॉन्फिगरेशन। सेकेंड देखिए, इस कार्बन पे इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी और इस कार्बन पे इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, और दोनों सेम साइड में है प्रायोरिटी वाले ग्रुप, तो इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, जेड। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों इस कार्बन पर जो इन दोनों ग्रुप में से जो ये वाला कार्बन है इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई होगा। तो आंसर तो अपना क्या हो गया, सी हो गया, लेकिन फिर भी अपन फोर्थ वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, इसमें इस ग्रुप को मिलेगी प्रायोरिटी और इसमें इस ग्रुप को, और दोनों प्रायोरिटी ग्रुप जो ग्रुप है वो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए ये का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, तो ई और जेड डिसाइड करना आता है अपने को, इच्छे से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री से आया हुआ है और ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2014 के अंदर आया हुआ है। इसमें भी क्या पूछा है, ई जेड या ट्रांस और एंटी कॉन्फ़िगरेशन अपने को पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे, वही दोनों कार्बन्स पे आप क्या करोगे, ग्रुप को क्या करोगे, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। तो इसमें देखिए, वन रहेगी, इसकी टू रहेगी और इस कार्बन पे इसकी वन रहेगी, तो दोनों प्रायोरिटी ग्रुप वाले जो समूह है वो सेम साइड में है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा अपने पास में, जेड। ओके,